हेलो बच्चों, आज हम मैथ सिंबल्स नेम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है एडिशन। एडिशन को हिंदी में जोड़ कहते हैं। यह है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में घटाव कहते हैं। यह है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हिंदी में गुणा कहते हैं। यह डिवीजन। डिवीजन को हिंदी में भाग कहते हैं। यह इक्वल। इक्वल को हिंदी में बराबर कहते हैं। यह इम्प्लाई। इम्प्लाई को हिंदी में तात्पर्य कहते हैं। यह ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को हिंदी में से बड़ा कहते हैं। यह लेस देन। लेस देन को हिंदी में से छोटा कहते हैं। ये सम ऑफ, इसको हिंदी में की राशि कहते हैं। यह है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को हिंदी में छोटा कोष्ठक कहते हैं। यह है मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट को हिंदी में मंझला कोष्ठक कहते हैं। यह है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को हिंदी में बड़ा कोष्ठक कहते हैं। यह है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। यह है डिग्री। डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं। यह है डेसिमन। डेसिमन को हिंदी में दशमलव कहते हैं। यह है स्क्वायर रूट ऑफ, जिसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। यह पाई। पाई को हिंदी में पाई कहते हैं। यह ट्रायंगल। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। यह रेशियो। रेशियो को हिंदी में अनुपात कहते हैं। यह बिकॉज। बिकॉज को हिंदी में चूंकि कहते हैं। यह देयरफॉर। देयरफॉर को हिंदी में इसलिए कहते हैं। यह प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। यह डिफरेंस। डिफरेंस को हिंदी में अंतर कहते हैं। यह प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को हिंदी में जोड़ घटाव कहते हैं। यह पैरेलल। पैरेलल को हिंदी में समानांतर कहते हैं। यह परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं। यह एंगल। एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। यह एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हिंदी में खाली सेट कहते हैं। यह राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। यह इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हिंदी में अनंत कहते हैं। यह नॉट इक्वल। नॉट इक्वल को हिंदी में बराबर नहीं कहते हैं। यह रे ए बी। रे ए बी को हिंदी में किरण ए बी कहते हैं। यह श्लेष। श्लेष को हिंदी में तिर्यक कहते हैं। यह सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को हिंदी में अर्ध विराम कहते हैं। यह कोमा। कोमा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। यह ग्रेटर देन और इक्वल, से हिंदी में से अधिक या बराबर कहते हैं। यह लेस देन और इक्वल, जिसे हिंदी में से कम या बराबर कहते हैं। यह सेगमेंट ए बी, जिसे हिंदी में खंड ए बी कहते हैं। यह नॉट इक्वल, से हिंदी में सम नहीं कहते हैं। यह फॉर ऑल। फॉर ऑल को हिंदी में सभी के लिए कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।